हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज के हुए सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर मैं देने वाला हूं। तो चलो मिला लो, कितना सही है चेक कर लेते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आप लोगों को याद होगा तो किसको लेना है, जो जीवित नहीं है वो जैविक संसाधन नहीं है। तो क्या है, चट्टान जीवित नहीं रहता है। चट्टान जिन्होंने लिया है उनका आंसर सही रहेगा। ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है, तो अधिक होती है इसको भी मैंने बताया था, स्थायी जमा खाता। ठीक है, स्थायी जमा खाता, जिन्होंने भी स्थायी जमा खाता लिया होगा उनका सही होगा। सबसे ज्यादा स्थायी जमा खाता में होता है, जिसे हम FD कहते हैं ना, ऐसे हम उसे नाम से सावधि जमा खाता कहते हैं। यहाँ पे सावधि जमा खाता नहीं है, तो हो सकता है कि ये उपयुक्त में से कोई नहीं भी ले सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे स्थायी जमा खाता ही लेना है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, देखो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है स्पष्ट, तब पता चल गया इंग्लिश में लिखा है मतलब फिक्स डिपॉजिट, मतलब सही है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है पता चल गया। तो जिन्होंने यहाँ पे स्थायी जमा खाता लिया है उनका सही है। इसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न है, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर हो, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, आय और व्यय दोनों बराबर हो उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। तो ये संतुलित बजट है, जिन्होंने यहाँ पे अ लिया उनका आंसर सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो यहाँ पे ना ये गलत है आंसर। क्यों गलत है, ये जो बांग्लादेश है ना, इसका क्रम है 129 है, और श्रीलंका का जो है वो 73 है। अब भारत से ये दोनों देश आगे है, तो उत्तर में कौन उठा रहा है पता नहीं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो उठाना चाहिए वो है बांग्लादेश, क्योंकि अभी अभी ना बांग्लादेश मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहतर है कहा गया है। तो मेरे हिसाब से इसी को ही उठाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दोनों की स्थिति देख लो, भारत से दोनों बेहतर है। भारत का जो है ना, मैं बता देता हूँ, भारत का है 132 है, तो 132 से कम कौन है, ये दोनों। तो इन दोनों की स्थिति क्या है, भारत से बेहतर है। अब ये जो पेपर लिए है ना, वो लोग किसको इसमें उत्तर उठा रहे हैं वही जाने, लेकिन मेरे हिसाब से इसी को ही उठाना चाहिए। आगे देखो पांचवा प्रश्न है, सूचना का अधिकार का सर्वाधिक लाभ होता है। तो सबसे इसका जो मुख्य लाभ है वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए होता है। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए लिया उनका आंसर सही है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो सबसे सरल प्रश्न है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है, मतलब बॉक्साइट से क्या प्राप्त है, एल्यूमिनियम प्राप्त हो। जिन्होंने एल्यूमिनियम में टिक किया है उनका सही रहेगा। ड्यूमा क्या संसद है, रूस की, तो रूस की संसद यहाँ पे लेना है। फांसीवाद क्या है भाई, फांसीवाद एक दल समर्थक है, जिन्होंने भी ये लिया उनका आंसर सही रहेगा। अदृश्य भूख को आपको लेना, शारीरिक कमजोरी होता है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी PTI है। आसान था, ठीक है, बना होगा। आगे देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो रिक्त स्थान के रूप में है। भारत के खालिस्तान प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो आपको यहाँ पे 24% लेना है, और पूरा अगर लेना है तो 24.62% लेना है। तो जिन्होंने 24 लिखा है उनका भी आंसर सही रहेगा, और पूरा लिखा है 24.62% उनका भी सही रहेगा। और हाँ, 24.62% का मतलब होता है ये 25% होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लिखे हो तो ज्यादा बेटर है, 25 भी लिखो तो भी आपका आंसर सही रहेगा। मुद्रा का निर्गम भारतीय खालिस्तान द्वारा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पे रिजर्व बैंक आना चाहिए, जिसे हम RBI कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट में आप RBI लिख सकते हो। जर्मनी, इटली और खालिस्तान मिलकर धुरी देश बनाए, तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान साथ दिया था उनका, तो जर्मनी, इटली और जापान मिलकर धुरी देश कहलाए, ये आप लोग लेना है। ठीक है, जिन्होंने जापान लिया उनका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष खालिस्तान देश के विरुद्ध था, तो नीदरलैंड के विरुद्ध था, तो जिन्होंने भी नीदरलैंड लिखा है उनका आंसर सही रहेगा। डच जो थे वो नीदरलैंड वासी थे ना, हाँ, तो डचों के विरुद्ध मतलब नीदरलैंड वासी। अगला है, भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत सन 1818 में हुई, जो बंगला गजट है ना, जो राजा राम मोहन राय वाला है, आप लोगों ने सुना है, बस उसी में 1800 सन 1800 में 1818 भारतीय भाषा में प्रथम पत्रकारिता क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब बाकी जो प्रश्न है वो तो सरल सरल आए हुए हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो बन गया होगा ना। विकास को मापने का संकेत क्या है, मानव विकास सूचकांक है, इससे लिखे होंगे। चालू खाता किसे कहते हैं, जिसमें सबसे कम ब्याज मिलता है उसे चालू खाता कहते हैं, ये आप बता सकते हो। महिला के प्रति फांसीवाद को का क्या विचार था, तो सब महिला जो थे वो लोग निम्न समझते थे ना, जैसे बुरखा उरखा अभी की स्थिति में होता है ना,
वैसी ही उनकी स्थिति थी उस समय, ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, वस्तु एवं सेवा जीएसटी क्या है भाई? ये गुड सर्विस टैक्स का पूर्ण फुल फॉर्म बता सकते हो, और इसमें जो टैक्स है, हाँ गुड सर्विस टैक्स बस बता दोगे तो आपको और कुछ नहीं बताना, वस्तु और सेवा में। ठीक है, द्वीपों का देश इंडोनेशिया कहते हैं, ये भी आप लोगों से बना होगा, ये तो ऐसे ही मुझे पता चल रहा है। और ये भी मैंने बताया था, हिंदू कोड बिल है ना, ये भी बताया था। ठीक है, सरकार खाद्यान्न का बम्फर स्टॉक क्यों रखती है, ये भी है, ये सब प्रश्न फंसा है, बाकी देख लो। मॉल एंड शॉपिंग मॉल में अंतर वाला है, तो सरल सरल प्रश्न आया था।